Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं सब लोग? आई एम जीकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ZM Diaries के नाम से. और आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ. बहुत ही खूबसूरत प्लेस और बहुत ही जबरदस्त किस्म का रास्ता. आजकल हम जो है रहीम यार खान उसके सराउंडिंग एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो लेट्स सी आज हम कहाँ जाते हैं. आपको एक बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे और अभी आप सिर्फ जो है इसका रास्ता जो है उसको एंजॉय कीजिए. इतना यहाँ का एम्बियंस अच्छा लगता है, मजे का, मतलब इतना नेचुरल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आप नेचर के करीब आ गए हैं. और ये कच्ची आबादियाँ, ये यू नो फील्ड्स, एनिमल्स और ये सब चीजें so amazing, amazing. See guys, road पे चलते हुए आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत से camels. Oh my god, this is amazing. इतना सुकून है यहाँ पे, इतना पीस है, यू कांट इमेजिन. बहुत जबरदस्त जगह है. और ऑल्दो हम संडे पे आए हैं बट इवन देन यहाँ पे कोई ऐसा रश और कुछ लोग नजर नहीं आ रहे. मे बी अंदर हो, लेट्स सी. अब हम जाएंगे इसके अंदर, आपको दिखाएंगे हिस्टोरिकल प्लेस. मे बी आप लोगों में से किसी को इसका नाम भी ना पता हो बट ये बहुत मशहूर हिस्टोरिकल प्लेस है पतन मनारा के नाम से. इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं अंदर जाके. लेट्स सी. बिल्कुल यहाँ पे इस इतनी प्यारी और हिस्टोरिकल जगह की बुरी हालत है, लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते. ये बिल्कुल गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए ऐसी खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस की थोड़ी तो केयर करें. बट यहाँ से इसकी हालत का अंदाज़ा देख के आइडिया हो रहा है बिल्कुल भी इसकी तरफ कोई किसी की भी तवज्जो नहीं है. सो ब्यूटीफुल प्लेस. और लेकिन इसकी जो है, सुना है कि यहाँ से ईंटें तक लोग चोरी करके ले गए थे और काफ़ी इसको जो है वो डैमेज कर दिया गया है इस जगह को. हालांकि अगर इसको सही से रखा जाता तो ये बड़ी प्यारी यू नो एक प्लेस होती टूरिस्ट के लिए और मज़ेदार सी जगह होती. इसको अच्छा सा मैनेज कर सकते थे बट आई डोंट नो क्यों नहीं किया. और इसकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन इस वक्त ख़राब है. मीनार भी बिल्कुल टूट चुका है और बहुत ही खस्ता हालत में. चले अंदर जाके देखते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे साथ ही मुझे साइड पे लेफ्ट साइड पे घर नजर आ रहा है, बल्कि एक दो घर नजर आ रहे हैं. यार जस्ट लुक एट देयर लाइव्स कि ये लोग कैसे मतलब रहते होंगे यहाँ पे. और घर है कुछ और भी नजर आ रहे हैं दूर दूर, लेकिन काफ़ी मुश्किल लाइफ होगी इनकी. आई गेस अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें. तो
यहाँ पे पिलर्स पे काफ़ी लोगों ने अपने नाम भी लिखे हुए हैं। इससे लग रहा है कि किसी ज़माने में ये अच्छी प्लेस थी और लोग यहाँ पे आते थे घूमने के लिए। निसार नूर लिखा हुआ है जी, यहाँ पे आसिफ लिखा हुआ है और अलिशवा, वाओ। और ये पता नहीं क्या नेम है, और कुछ यहाँ पे भी नेम है, ZF, बाबा, RK, ओ जी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या, SS, और एक हार्ट भी बना हुआ है साथ में, जबरदस्त। शौकत बाबड़ा, वाह जी वाह। ये तो जी फोन नंबर भी लिखा हुआ है लोगों ने, MA काकल, आई डोंट नो, MA K, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे। जी मैं तकरीबन इसके टॉप पे आ चुके हैं, जब हम अंदर होंगे तो मैं आके अंदर भी हो जाएंगे, पहले हम बाहर से इसको कैप्चर कर लें। ये है जी इसकी चार दीवारी और हर पिलर पे नेम्स जो है लोगों के मेंशन है। पीछे पूरा गांव है, आई गेस इस गांव का नाम भी पतंग मीनारा ही होगा। सीढ़ियाँ मैं ऊपर आ गई हूँ, या इसको यहाँ तक आने वाली जो स्टेयर्स थी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, और फाइनली इसको हम करके तो हम इसके अंदर आ गए। ये है जी मीनार का इनसाइड, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है इस वक्त, और ये आई गेस प्लेस थी जहाँ पे वो लाइट वगैरह रखी जाती थी। यहाँ पे भी सब लोगों ने अपने नाम लिख लिख के इसको खूब खराब किया है, और ज़बरदस्त किस्म की ये प्लेस बिल्कुल डैमेज हो चुकी हुई है, तो काफ़ी कचरा और गंद है यहाँ पे। बट दुख हो रहा है, इतनी अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस को हमारी आवाम ने इतना गंदा कर दिया है। देखें इसकी ब्यूटी, यहाँ से टॉप से मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये पूरी स्टेयर्स है, पहले ये वाली स्टेयर्स है, और फिर इस तरह से यहाँ पे ये मीनार आता है। You want to rebuild it? अजान इस नहीं कि बस को रीबिल्ड करेंगे। ये जहाँ पे जो है लास्ट ईयर तक की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर जिन लोगों ने इस प्लेस को देखा था वो कह रहे हैं कि ये जो है इतनी ज़्यादा डैमेज ये लास्ट ईयर में नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। जिस तरह से पत्थर और स्टोन हर जगह गिरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, ये विद इन 1 ईयर ये सब कुछ डैमेज हुआ है। मतलब पहले भी डैमेज था बट इतना नहीं था जितना अब इस पानी के अंदर हो गया, तो ये जो है बहुत गलत बात है। बहुत कोई खूबसूरत लग रहा है, अच्छा कोई जबरदस्त किस्म की इसकी जो डिजाइन था और आर्किटेक्चर था सब जबरदस्त किस्म का बनाया तो गया था, बट अब ये सब उस तरह से नहीं है। तो कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है, इसका खूबसूरत सा डिजाइन, अमेजिंग। गो, तो गाइस हम यहाँ पे, हमारे साथ हैं काशिफ और इनसे हम जो है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। जी, ओवर टू यू काशिफ।
अस्सलाम वालेकुम जी, पतली मीनारा नॉर्मली अगर आप इसको विकिपीडिया करें, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, यू कैन से दैट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और पुरानी प्लेस है। ये 2000 ईयर्स बिफोर जो है ना इसकी बनाई गई थी, ये बिल्ड हुई थी, और बेसिकली इसको जो बिल्ड करने वाले थे वो यहाँ से अलेक्जेंडर नाम के कैप्टन या कर्नल थे, वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए इंडिया यानी कि भारत की तरफ जा रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने ये कॉलोनी बनाई थी। यहाँ पे जो मीनार बनाया गया है बेसिकली 250 BC लाइक कबले मसीह, 250 कबले मसीह में ये बिल्ड किया गया था, और जब वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे इंडिया, तो उन्होंने इस पूरी कॉलोनी में इस मीनार को इसलिए बनाया था कि इसके ऊपर खड़े होकर ये आराम से वाजपेयी पूरे इलाके को देख सकते थे, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी भी और आर्म फोर्सेस वगैरह भी थे। तो इस एतबार से कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड प्लेस है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया खान से तकरीबन 8 किलोमीटर लगे हैं, इंडिया खान सिटी से 8 किलोमीटर लगे हैं, और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा काम करे, उसको बिल्ड करे अच्छे तरीके से प्रॉपरली, उसको मेंटेनेंस के लिए एटलीस्ट वॉचमैन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो बाकियात हैं उसको लोग उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से, उसको वो क्लोज से क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।